नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनर में। आज हम बनाने वाले हैं एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड दोस्तों, उसका जो फ्रंट डिज़ाइन होता है हम आज उसकी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं दोस्तों। यदि आपको कोरल की पूरी नॉलेज जाननी है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं इंच में साइज़ ले लेता हूँ। मैं साइज़ लूँगा इसका 7x8.5, 7.5 और उधर से लेता हूँ मैं 8। दोस्तों यदि आप कोई भी साइज़ पर आप बनाना चाहते हैं तो नोट इशू, कोई भी साइज़ पर आप बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं साइज़ ले लिया, उसके बाद मैं काउंटर टूल के माध्यम से इसकी एक लेयर और बना लेता हूं। दोस्तों मैंने सभी टूल्स के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप जा कर के मेरी पुरानी सभी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ऐसे मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोस्तों मैं इसमें वाइट कलर कर लेता हूँ। वाइट कलर करने के बाद दोस्तों जो बाहर का आउट लेयर है मैं उसको रेड महरूम कलर करता हूँ। महरूम कलर में इसमें ब्लैक डाल देता हूँ 50%। ये देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया। उसकी आउटलाइन को मैं गैप करता हूँ। गैप कर लेने के बाद मेरे को क्या करना है अब, इसके बाद दोस्तों मैंने इंटरनेट से कुछ पिक्स उठाई हैं जो मैं इसकी बैकग्राउंड में डालूंगा। एक मैंने ली है क्लिप आर्ट में, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको बड़ी कर करके, जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, आप नेट से इसको उठा सकते हैं। दोस्तों ये पिक है, ये मैं इसलिए सारा काम रेडी रखता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको आसानी से डिज़ाइनिंग हमारी समझ आए। उसके बाद दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ और उसको मैंने इसके अंदर इसको फिक्स कर लिया है। अब उसके बाद आप इसको छोटा बड़ा जितना कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ट्रांसपेरेंट टूल के माध्यम से ट्रांसपेरेंट करूँगा, थोड़ा जो तो थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे। मैं इसको क्लिक करता हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल्स को, और अब आप इसकी परसेंटेज यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। आप माउस का ध्यान रखें, मैं 75 करता हूँ या 85 या 80 जो भी आपको करना है। मैं 80 पे इसको रोक लेता हूँ। कन्वर्ट टू बिट मैप में जा कर के इसको बिट मैप कर लेता हूँ ताकि हमारा जो हमने परफेक्टली जो ट्रांसपेरेंस किया है वो बिल्कुल सेट हो जाए। उसके बाद दोस्तों मैंने एक बर्गर की फ़ोटो भी इंटरनेट से उठाई हुई है, मैं इसको इंटरनेट से उठा करके रखी हुई है। अगर आपको JPG मिलती है और आप इसको कटिंग करना चाहते हैं, JPNG बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी वीडियो एक ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद बर्गर के उठाने के बाद दोस्तों मैंने क्लिप आर्ट में पिज़्ज़ा लिया है, ये भी आप इंटरनेट से क्लिप आर्ट पिज़्ज़ा के नाम से डाल करके उठा सकते हैं। आप इसको बर्गर को थोड़ा इधर उधर खिसका करके ताकि आपकी डिज़ाइन परफेक्टली रेडी हो जाए, आप उसको जैसा मर्जी सेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर अब हमारा जो डिज़ाइन है लगभग रेडी है। अब हमारा जो काम है राइटिंग का वो रह गया है। सबसे ऊपर ये मैंने कंपनी का लोगो लिया है दोस्तों, नाम द कैफीन हाउस, ये पूरा जो हमारा नाम है कंपनी का, रेस्टोरेंट का, ये मैंने ऊपर लिया है, इसका मैंने लोगो डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके नीचे यहाँ एक टैग बनाना है, इसका टैग बनाना है जिस पे लिखना है बर्गर कितने से स्टार्ट है। दोस्तों टैग बनाने के लिए मैं एक बॉक्स लिया, इसको मैंने कर्व किया सेप टूल के माध्यम से, मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे से इसके कॉर्नर को छोटा कर लेता हूँ, और उसके बाद इसकी एक लेयर काउंटर टूल फिल टूल के माध्यम से मैं इसके बना रहा हूँ। उसके बाद बनाने के बाद आप कोई भी कलर इसके अंदर ले सकते हैं। मैं इसके अंदर महरूम लिया और बैक में इसके राइट जो बैक है इसकी वो मैंने लाइट कलर के लिए, लेकिन दोस्तों ये हमारी जो आउटलाइन है मैंने उससे मिलता हुआ बिल्कुल इसको अपोजिट करना है, क्योंकि जो हमें टैग की जो मैं रस्सियाँ बनाने वाला हूँ वो महरूम कलर से बनेगी, इसलिए ये चीज़ सेट नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। दोस्तों इसका बनाने का मकसद यह है ताकि आपको समझ आए कि काम कैसे हो रहा है। दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके अंदर बैग में महरूम ले लेता हूँ, ऊपर मैंने लाइट कलर लिया, मैंने जो सर्कल है टैग के अंदर जो आपने होल देखा होगा दोस्तों ये वो है। उसके बाद मैं इसकी एक रस्सी बनाने वाला हूँ टैग की, मैंने एक लाइन ड्रैग की, लाइन ड्रैग करने के बाद सेप टूल के माध्यम से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कन्वर्ट टू कर्व वाला जो ऑप्शन है मैंने उसको सेलेक्ट किया। अब दोबारा से देख सकते हैं, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व वाले को मैंने क्लिक किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस लेयर को मैं अगर सेलेक्ट करके ऊपर करूँगा तो ये ड्रैग हमारी लाइन जो है ड्रैग हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों सिंपली इसका कुछ नहीं करना है, एक रस्सी और नीचे ले ली हमने, और इसका जो क्लिक करके हमने सेंटर में वो रखा तो उसको हमने रोटेट कर लिया। आप इसके ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल डाउन के माध्यम से मैं इसकी पहली वाली लाइन जो है वो नीचे कर लेता हूँ,
और जो आप ऐसे भी बना सकती हैं, या आप इसके अगर लाइन को पूरा रोटेट करना नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। इसके बाद जो हमें मैटर टाइप करके मैंने रखा हुआ है बर्गर वाला, कि बर्गर कितने से स्टार्ट है, दोस्तों मैंने यहाँ पे वो कॉपी किया, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा जितना आपको एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारा टैग बन करके भी तैयार हो चुका है, आप आसानी से ऐसे टैग बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। उसके बाद दोस्तों मैंने सभी चीज़ें की टाइपिंग करके रखी हुई है, मैं दूसरे पेज पर आपको ले जाता हूँ। ये मेरा हो गया, ऊपर वाला मेरा हो गया, ये चीज़ मैंने वी मेक फ्रेश पिज़्ज़ा बेस, ये भी मैंने टाइप करके रखा हुआ है। आप इसको छोटा बड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सीधा आप इसको रख सकते हैं जो आपका मर्जी। अलग अलग फ़ॉन्ट लेकर के मैंने इसकी डिज़ाइन की है, इसलिए ऊपर वाला मैं डिलीट कर लेता हूँ। पिज़्ज़ा स्टार्ट एट 45 रुपीज़, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ये भी मैंने टाइप करके रखा हुआ है दोस्तों फ़ॉन्ट में। उसके बाद दोस्तों इसका जो एड्रेस, जो मोबाइल नंबर है दोस्तों, ये हमारा सारा के अंदर है, ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया इसका। मैं ये दोस्तों हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो परफेक्टली बन करके रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।